नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। रीवा के नए बस स्टैंड पर खड़ी खाली बस के अंदर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि आरोपी नाबालिग लड़की को सीधी से लेकर रीवा पहुंचा, जहां नए बस स्टैंड पर खड़ी खाली बस के अंदर ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद घर पहुंची नाबालिग लड़की ने परिजनों को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद थाने पहुंचकर आप बीती सुनाई। लड़की रामपुर नेकिन से बस में सवार होकर भगवार के लिए 3-4 जून की रात निकली थी। उसी बस में रामपुर नेकिन निवासी आरोपी तरुण भी सवार था, जिसने नाबालिग को बस से उतरने नहीं दिया और उसे जबरन रिवाल ले गया। समान थाना पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म एवं पॉस्को एक्ट का मामला पंजीबद्ध कर रामपुर नेकिन जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर रीवा न्यायालय में पेश किया। समान थाना क्षेत्र अंतर्गत दुष्कर्म का मामला प्रकाश में है, क्या है मामला? 3-6 के घटना की रात की बात है। रामपुर नेकिन क्षेत्र से एक लड़की और एक लड़का जो है नया बस स्टैंड पर आए थे और वहीं पर उसके साथ में घटना हुई और उसके पिता ढूंढते ढूंढते आया था और फिर उनको मिल जाने से वो फिर रामपुर नेकिन थाना चले गए, वहाँ रिपोर्ट किए। वो घटना चूँकि घटना यहाँ का होने से वापस डायरी बेचने के लिए यहाँ आई है और मुलजिम के बाद गिरफ्तारी करके न्यायालय पेश कर दिया। रीवा से खबर समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ अमित पांडे की रिपोर्ट।